नमस्कार, बुलबुल टॉप 10 में मैं प्रखर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं जबलपुर शहर की 10 बड़ी खबरों की। संजीवनी नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले इन्फिनिटी हार्ट इंस्टीट्यूट के कई कर्मचारियों पर कार्रवाई, NSA के तहत प्रकरण दर्ज। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 2 आरोपी युवक गिरफ्तार, 62 लीटर कच्ची शराब और 1 मोटरसाइकिल जब्त, गौरीघाट थाने की घटना। जबलपुर में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बनाया गया अलग वार्ड, अब तक 5 लोगों की सर्जरी के बाद आई रोशनी। कलेक्टर और SP ने किया शहर का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। 14 साल में 50% हो पाया सीवर लाइन का काम, हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद भी सुस्ती बरकरार। 7% हुई कोरोना की संक्रमण की दर, सैंपलिंग भी हो रही है भरपूर। गांव की ओर अधिक पैर पसार रहा है कोरोना, टेस्टिंग कम और देर में आ रहे होने वाले टेस्ट के रिजल्ट। डॉक्टर जामदार द्वारा तथा कथित रूप से मोखा के समर्थन में बयान देने के बाद NSAI ने किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई छीना झपटी। निजी अस्पताल ने ली ज्यादा रकम, तहसीलदार ने करवाई 85,000 की छूट। फिलहाल पलपल टॉप 10 में इतना ही, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। पलपल इंडिया परिवार की अपील, इस महामारी से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम।